HyperOS 2 का अगर आपको लॉक स्क्रीन का जो है आपको बाकी मैगजीन्स को ऐड करना है आपका कोई भी Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस में जिसमें HyperOS है, तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो और देख सकते हैं ऐसा आप लॉक स्क्रीन मैगजीन्स को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर जा रहा है। और बस सिंपली आप कैसे ऐड होगा वो तो आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा, बट आप देख लो ऐसा आपको कुछ लुक और जो है लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा और अप्लाई करने के बाद उसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको जो है देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन। साथ साथ इसमें आपको काफ़ी अच्छा एनिमेशंस और देख सकते हैं लुक ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम है। और HyperOS 2 जब भी आए उससे पहले अगर आपको चाहिए तो अभी ऐड कर लो, बस आपको थोड़ा सा जो मेहनत करना पड़ेगा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए, और बस आपका काम बन जाएगा। और पसंद आता वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है इतना सारा इफेक्ट से, प्लस आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। प्रॉपरली अभी काम नहीं करेगा, एक दो जो है कुछ कुछ इफेक्ट्स काम नहीं करने वाला, बट आपको डेफिनेटली जो लॉक स्क्रीन वो मिल जाएगा, सिमिलर एकदम सेम मिल जाएगा। अगर आपको ये ऐड करना है आपका डिवाइस में, फर्स्ट आपको जाना होगा आपका डिवाइस का सेटिंग्स पे जाओ, अबाउट फोन में जाओ, बैकअप एंड रीस्टोर में जाओ। बैकअप एंड रीस्टोर में जाने के बाद आपको जाना मोबाइल डिवाइस में, फिर आपको जाना रीस्टोर में, फिर आपको जाना आपका बाकी जैसे ऑप्शन हो गया आपका अदर सिस्टम ऐप डाटा उसमें जाओ, और फिर आपको बैकअप करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसको जाके बैकअप कर लो। बैकअप करने में आपको टाइम लगे कुछ टाइम, उसको बैकअप करो। और बैकअप जब तक हो रहा जाओ, वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो बैकअप हो गया, बैकअप हो जाने के बाद आपको बस एक फाइल चाहिए जिसका कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको डाउनलोड करो। उसका साइज बड़ा है तो जाओ 400 MB, थोड़ा सा बड़ा ही बोल सकते हैं, जाओ डाउनलोड कर लो फाइल को जो कि आपका जो है बैकअप फाइल है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। उसको आपको बस आपका जहाँ पे भी डाउनलोड किए वहाँ से आपको कॉपी करना होगा या मूव भी आप कर सकते हो, सिंपली कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको जाना है इंटरनेट स्टोरेज में, फिर आपको जाना है आपका MIUI, फिर बैकअप ऑल बैकअप, और फिर आप जो भी अभी बैकअप किए थे करेंटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का उस पर आपको जाकर रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी रिप्लेस फाइल थे उसको जाकर रीस्टोर करना है, तो सभी ऐप्स को जो है रिमूव कर दो, रिसेंट मेन्यूज नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, बट कर दो ऐसे मेरे को मन किया मैं बता रहा हूँ। और फिर आपको जाना सेम सेटिंग्स में अबाउट फोन में, फिर आपको बैकअप एंड रीस्टोर में, फिर रीस्टोर में जाना और रीस्टोर करना है। रीस्टोर जैसे आप कीजिएगा आपको सभी नया जो है लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल आपको बस ना होगा। अभी थोड़ा टाइम टेकिंग मतलब प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेक करेगा भी आपका बैकअप होने में, तो ध्यान से करो। और देखो पसंद आया पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग से बेटर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहो। चलो मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।